आपको पता ही होगा कि ईडी पीएम मोदी की और भाजपा की कठपुतली बन चुका है और इनके इशारे पर ईडी हर उस आदमी को निशाने पर लेता है जो भाजपा के खिलाफ बोलने की ताकत रखता है। और अब इसी ईडी का गलत इस्तेमाल करते हुए भाजपा ने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसे लेकर पूरे देश में एक अलग ही हंगामा खड़ा हो गया है, जिसके चलते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कांग्रेस के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और इन्हीं प्रदर्शनों के कारण मध्य दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में यातायात भी प्रभावित हुआ है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के नागपुर शहर में ईडी के कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद उसमें से कई को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं इस मामले में सोनिया गांधी का भी वीडियो सामने आया है, जो आपको देखना चाहिए। आप एक बार सोनिया गांधी का ये बयान सुनिए। मैं इंदिरा जी की बहू हूँ और किसी से नहीं डरती। वहीं सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि विश्व की आवाज दबाने और डर पैदा करने के लिए ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस न्यायालय के लिए अपनी लड़ाई से पीछे नहीं हटेगी। इस बीच सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए नई दिल्ली में ईडी के कार्यालय पहुंच गई है। यहां सोनिया गांधी से पूछताछ जारी है। साथ ही कांग्रेस ने इसे अपने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ जाँच एजेंसी की कार्यवाही की आलोचना की और इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मंत्री सुनील केदार ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सोनिया गांधी जी जैसी नेता को ईडी समन भेज रहा है, देश में ये दयनीय स्थिति है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रदर्शन जारी रहेंगे। पश्चिमी महाराष्ट्र से कांग्रेस नेताओं ने भी पुणे में प्रदर्शन किया। पुणे में जिलाधीश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन में वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान, सतेज पाटिल, परिणीति शिंदे और विश्वजीत कदम ने भाग लिया। वहीं राज्य के पूर्व मंत्री सतेज पाटिल ने इस मामले पर कहा, भाजपा सरकार ऐसे काम कर रही है जैसे कि वह संविधान का पालन ही नहीं करना चाहती है। उन्होंने विपक्ष को खत्म करने का कदम उठाया है और हम ऐसे कृत्य की निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछली बार ईडी ने राहुल गांधी को निशाना बनाया था, ये सभी जानबूझकर की गई कार्यवाही है, ये लोकतंत्र की हत्या है और कांग्रेस इसके खिलाफ खड़ी होगी। इस खबर में सिर्फ इतना ही, वहीं ऐसी और भी खबरें पाने के लिए देखते रहिए MIM News Express।